नमस्कार ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर फिट एंड हेल्दी एट योर प्लेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. ओके, सो ओपन चैप्टर 11, लाइट साउंड एंड फोर्स. हियर इज अवर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. वी हैव रिमेनिंग दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक, राइट? So open your fair notebook, take your pencil eraser and write down with me. So there are 5 questions. Our first question is, what are luminous objects? And give 2 examples. See, what is the answer? Answer is, luminous object kya hai? What are luminous objects? And we have to give 2 examples of luminous objects, right? So, answer is, objects that give out light are called luminous objects. Jo object hume lights dete hai, we called it luminous objects. Right? So easy. Examples are the sun and candles. You can write down sun and bulbs, bulb and tube lights, right? All these are the examples of luminous objects. Right? So, what are luminous objects? Objects that give out light, right? Now, see the question number 2. What is the shadow? When do objects form shadows? Matlab, shadows kya hai? And, wo object hai, wo shadows ko form kaise karte hai? So, answer is, a shadow is the dark page formed when an object blocks the path of light from a luminous object like the sun and a bulb or candle. Right? What is shadow? Shadow is a dark patch formed when an object blocks the path of the luminous object. Jab koi luminous object ki light pass ho rahi hai aur beech mein koi ऑब्जेक्ट आ जाए, उसे ब्लॉक कर दे, तो क्या होगा? एक सामने डार्क पैच दिखेगा, वी कॉल्ड इट शेडो. ओके, नाउ शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट. शेडो कब फॉर्म होता है? यहाँ पे आंसर है ना, क्वेश्चन है. सो आंसर इज, शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट. शेडो तभी फॉर्म होता है जब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होती है, कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ जाए और उसे ब्लॉक कर दे, राइट? सो दिस इज अवर क्वेश्चन 2. सी योर हैंड राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड सी ऑल दी स्पेलिंग्स एंड राइट डाउन करेक्टली. ओके, नाउ सी द थर्ड वन. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स वी हियर? अलग अलग तरह के जो हम साउंड सुनते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? सो आंसर इज, साउंड्स कैन बी सॉफ्ट और लाउड, सॉरी सॉफ्ट ऑफ और लाउड, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, राइट? यहाँ पे ऑफ नहीं है, इट्स और इट्स और ओ आर और. ओके, सॉफ्ट और लाउड, सॉफ्ट भी हो सकता है और लाउड भी हो सकता है, एंड प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, है ना? उस इस टाइप के जो साउंड हम सुनते हैं वो कैसे होते हैं? देर आर दैट साउंड आर सॉफ्ट, इट कुड बी सॉफ्ट और लाउड. वो सॉफ्ट भी होते हैं, लाउड भी होते हैं, एंड प्लेजेंट भी होते हैं, प्लेजेंट भी होते हैं, राइट? सो साउंड्स कैन बी सॉफ्ट और लाउड, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट. सी द फोर्थ वन. डिफ्रेंशिएट बिटवीन ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, गिव एग्जाम्पल्स. वी हैव टू राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, राइट? वी हैव टू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. सो आंसर इज, ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस. ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देता है, वी कॉल्ड इट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. एंड एग्जाम्पल्स आर द सन एंड कैंडल्स. एग्जाम्पल्स क्या है? सन एंड कैंडल्स. यू कैन राइट डाउन सन एंड बल्ब्स एज वेल. नाउ सी, ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट नहीं देते, वी कॉल्ड इट
a non-luminous object. So examples are table and paper, right? So easy. Difference between luminous and non-luminous object. So luminous object, they are give out light, and non-luminous object, they do not give out light, right? Now see the fifth one. What is friction? Give one use of friction in our daily life. So friction kya hai aur daily life mein hum friction ka use kaise karte hain? So answer is, friction is a special force that slows down movements. Friction se kya hota hai? Movements ko hum slow down karte hain, right? If friction is very less, things will slide. Friction jab less hua hai na, kam hua, to kya hoga? Will slide. Hum slide hoenge, slip hoenge. And if there was no friction, we would not be able to walk. Agar friction nahi hua, to kya hoga? Hum walk nahi kar payenge. Hai na? Aur friction zyada hua, to kya hoga? तो हमें चलने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, राइट? बहुत ही हम पैर मार ऐसे ज़बरदस्ती से उठाएंगे, जैसे हम इजीली वॉक करते वैसे नहीं कर पाएंगे. तो फ्रिक्शन इज मस्ट इन अवर डेली लाइफ. सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज स्पेशल फोर्स दैट स्लो डाउन मूवमेंट्स. वो मूवमेंट्स को स्लो डाउन करते हैं. If friction is very less, will slide. हम friction less होगा तो क्या होगी? Slide होंगे. ज़्यादा होगा तो we can't walk properly, और नहीं होगा तो भी we can't walk properly. Okay? So these are the question answer. I'm going to repeat it. See pronunciation, see all these spellings and correct it. Okay? So our first question is, what are luminous objects? Give two examples. Answer is, objects that give out light are called luminous objects, and examples are the sun and candles. Now see the second question, what is the shadow? When do objects form shadows? Answer is, a shadow is the dark patch formed when an object blocks the path of light from a luminous object, like the sun, a bulb, or a candle. And shadows are formed when an object blocks the path of light. Right? Now see the third one. What are the different types of sounds we hear? Answer is, sounds can be soft or loud, pleasant or unpleasant. Fourth one is, differentiate between luminous and non-luminous objects. Give examples. Answer is, objects that give out light are called luminous. Examples are the sun and candles. Objects that do not give out light are called non-luminous, and examples are table and paper. Fifth one is, what is friction? Give one use of friction in our daily life. Answer is, friction is a special force that slows down movements. If friction is very less, things will slide. If there was no friction, we would not be able to walk. Don't forget to full stop after every answers. Okay, now open your textbook, page number 113. Let's recall. Recall and complete the concept map given below. We have concept map of different kind of sounds and we have to complete it, right? So first sound is soft, S-O-F-T, soft, loud, unpleasant, pleasant, and noise. These are the different kinds of sounds, right? We have to give examples of each kinds of sounds.
ओके. सो सॉफ्ट साउंड का एग्जांपल है इट्स विस्पर, राइट, फुसफुसाना. लाउड साउंड का एग्जांपल है रिंग ऑफ अ स्कूल बेल. अनप्लेसेंट साउंड इज हॉकिंग ऑफ व्हीकल. प्लेसेंट साउंड का एग्जांपल है म्यूजिक. एंड नॉइस का एग्जांपल है एवरीवन इन योर क्लास टॉकिंग लाउडली एट द सेम टाइम. सो दिस इज अवर कॉन्सेप्ट मैप. डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स यू हैव टू कंप्लीट विथ वेरी गुड हैंड राइटिंग. नाउ सी, लेट्स ऑब्जर्व. सो ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन अलोंग साइड. रितिशा हैज एंटर्ड अ रूम वेर द फ्लोर वॉज वेट. वॉट मेड ऋत्विक स्लिप. इज द फ्रिक्शन मोर और लेस इन द पिक्चर? सी, रितिशा करके एक लड़की है, वो रूम में एंटर हुई और क्या हुआ, वो स्लीप हो गई. तो फ्रिक्शन क्या है, लेस है कि मोर है? So, answer is, wet floor means there would be less friction. Wet floor matlab less friction, hai na, kam friction. So that we are sleepy. When friction is very less, things slides, right? Friction less hai, to kya hoga? Cheeze slides karengi. That is why Ritwik slipped out. Slipped when he ignored the sign saying wet floor at room. See, यहाँ पे रितिशा लिखा है और यहाँ पे ऋत्विक लिखा है. So हम कोई भी नाम उठा सकते हैं, no worry. So यहाँ पे ऋत्विक लिखा है, when friction is very less, things slides. We all know, जब friction less है तो चीज़ें स्लाइड्स करती है. दैट इज़ वाई ऋत्विक स्लीप्ड. इसीलिए ऋत्विक है, वो स्लीप हो गया फ्लोर पे व्हेन ही इग्नोर्ड. यहाँ पे देखो साइन लिखी हुई है, क्या लिखा है, वेट फ्लोर. तो उसने वो साइन को इग्नोर कर दिया, दैट इज़ वाई वो फ्लोर पे क्या हो गया, स्लीप हो गया. ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 114. There is let's analyze and evaluate. So look at the picture given below and answer the following questions. See, these are the examples of frictions. Okay, friction. So keep it in your mind. You have to concentrate here to understand friction. Okay, so there are pictures. There are 6 pictures here. You have to answer the following questions here. Okay, so first question is, which picture shows the effect of force on the shape of an object? See, all these questions here you had to write down answers here only. Okay, maine yahan pe answers nahi likhe hai, par answers maine yahan pe likhe hai, but you have to write down answers in textbook only. So our first question is, which picture shows that the effect of force on the shape of an object? यहाँ पे कौन सा picture है जो दिखा रहा है force का object, यानी the picture shows the effect of force on the shape an object. जो शेप में चेंजेस दे रहा है, कौन सा पिक्चर दिखा रहा है कि शेप में चेंज हो रहा है, राइट. सो इट शोज इन पिक्चर ई. सी, एज यू कैन सी, हमने आटा गूंदा है, उससे रोटी बना रहा है, तो फोर्स दे रहा है ना दोनों हाथों से, तो शेप में चेंजेस आ रहा है. तो यू हैव टू राइट डाउन पिक्चर ई हियर. सी, राइट डाउन लाइक दिस, पिक्चर ई. In your textbook, don't forget to write down answers in textbooks only. Textbook में ही लिखने हैं, 114 पेज पे यहीं लिखने हैं, यहाँ पे जगह है तो. Okay, second question is it easy to shake on ice or and sand? Why? Is it easy to skate?
skate on ice or on a sand? It's easy? Yes, it's easy, right? So answer is, it is easier to skate on ice because there is lesser friction on ice than on grass or a pavement, right? देखो, जैसे हम ये pavement पे चल रहे हैं, this is floor, चल ना floors, right? हम floor पे चल रहे हैं, तो slide होने में मज़ा आता है या फिर ice में हम जब skating करते हैं तब मज़ा आता है? तो of course, skating ice पे ही मज़ा आती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन लेस होता है तो हमें ज़्यादा फोर्स नहीं देना पड़ता, राइट? सो यस, इट इज़ ईजी टू स्केट ऑन आइस और सैंड. सैंड और आइस पे स्केटिंग करना ईजी है बिकॉज देर इज़ लेज़र फ्रिक्शन, उस पर फ्रिक्शन बहुत ही लेस होता है. ग्रास में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है ना, अकॉर्डिंग टू आइस. सो इट्स ईजी, यस, राइट? Write down answer in second question in textbook, okay? Question number 3, what is the question? Will the change of sleeping be high in picture A or picture C and why? Picture A and C. So, will the change of sleeping be high in picture A or picture C? इसमें से पिक्चर ए और सी में कौन से पिक्चर में ऐसे चांसेस है, विल द चांसेस ऑफ स्लीपिंग, यानी ऐसे चांसेस है जहां हम स्लीप हो जाए. तो इट्स वो इजी चांसेस इन पिक्चर ए, राइट? सो आंसर इज पिक्चर ए बिकॉज द फ्लोर इज वेट एंड इट विल बी स्लिपरी. बिकॉज पिक्चर ए में देखो साइन है द फ्लोर इज वेट, सो वी कैन स्लीप ऑन द फ्लोर. सो फ्लोर इज स्लीपरी एंड फ्रिक्शन इज लेस, सो पिक्चर ए, राइट? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज टेलकम पाउडर स्प्रिंकल्ड ऑन अ कैरम बोर्ड? सी इन पिक्चर एफ देर आर चिल्ड्रन वो आर प्लेइंग कैरम बोर्ड, राइट? तो उसमें टेलकम पाउडर हम डालते हैं, तो वाई, क्यों स्प्रिंकल करते हैं? तो आंसर इज टेलकम पाउडर इज स्प्रिंकल टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड अलाउ द स्ट्राइकर टू मूव स्मूदली. हम फ्रिक्शन को लेस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? वी स्प्रिंकल टेलकम पाउडर ऑन कैरम बोर्ड टू मूव स्ट्राइकर स्मूदली, राइट? सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक ओनली, ओके? सो आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल दिस क्वेश्चन, सी द प्रोनाउंसिएशन एंड डू करेक्शन इफ देर इज एनी, ओके? सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पिक्चर शोज दैट सॉरी विच पिक्चर्स पिक्चर शोज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट? सो आंसर इज पिक्चर ई. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन, इज इट ईजी टू स्केट ऑन आइस और सैंड एंड वाई? सो यस, इट इज ईजी. तो इट इज ईजियर टू स्केट ऑन आइस बिकॉज देर इज लेजर फ्रिक्शन ऑन आइस then on grass or a pavement, right? So this is second question. Now see the third question, will the chance of sleeping be high in picture A or picture C and why? So answer is, there is picture A, right? There are chances to sleep on picture A. So why? Because the floor is wet and it will be slippery because friction is less, right? Now see the question number 4, why is talcum powder sprinkled on a carom board? So answer is talcum powder is sprinkled to reduce friction, right? Talcum powder se kya hoga? Friction
रिड्यूस होगा एंड अलाउ द स्ट्राइकर टू मूव स्मूथली. ओके, सो दीज आर द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस विच यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. ओके, एंड टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर जो हमने एक्सरसाइज 3 में करे पेज नंबर 112 पर, दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक. ओके, सो स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय एवरीवन.